मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शानदार चल रही एक श्रृंखला में आज फिर हम आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं यह प्रश्न आपके हर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो हमारा जीके जीएस एंड स्टैटिक्स जीके से संबंधित लगातार एक श्रृंखला चल रही है सामान्य ज्ञान में, वह आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जी हां सम्मुख रखेंगे। पहला प्रश्न तो आपके लिए बड़ा हल्का लग रहा होगा नो डाउट से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या थी? सबसे कम जनसंख्या थी, ये प्रश्न आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ आज अतिरिक्त जानकारी देंगे बहुत शानदार आप सभी को। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 होती है, ठीक है, नो डाउट से 2011 जनगणना होती है, और 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य होता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों, तो वह आपकी जो जनसंख्या है वह है सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा सिक्किम राज्य है वो सिक्किम राज्य क्या है, अर्थात यहाँ पर कुल 4 जिले हैं। यहीं से अब कहानी स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, याद रखिएगा। सिक्किम में अगर हम सिक्किम का कुछ ऐसा पार्ट बताते हैं दोस्तों, बना लेते हैं, तो यह पूर्वी जिला है यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ का पश्चिमी जिला है, ठीक है, पश्चिमी जिला है, ये आपका उत्तरीय जिला है, ये आपका दक्षिणी जिला है, ये कुल 4 जिले हैं। अब देखिए जो पूर्वी जिला है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि मतलब पूर्वी जिला में यहाँ के जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वहीं पश्चिमी जिला का जो है दोस्तों क्षेत्रफल ज्यादा है, ये याद रखिएगा, मतलब यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा है। जो यहाँ की कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार वो 6,10,000, ठीक है ना दोस्तों, 713 के आसपास पड़ती है, ठीक है, 713 के आसपास पड़ती है यहाँ की जनसंख्या, और जिसमें से आपका 33,00,000 से अधिक जो है दोस्तों मनुष्य हैं यहाँ पर, मतलब पुरुष हैं, याद रखिएगा, फिर बची हुई महिलाएं हैं। यहाँ का अगर हम लिंगानुपात देखें, ठीक है, जो किसका भैया लिंगानुपात देख रहे हैं, लिंगानुपात देख रहे हैं सिक्किम का, अगर हम सिक्किम का लिंगानुपात देखें तो 890 है। अगर हम साक्षरता दर देखें, क्या साक्षरता दर देखें, तो जो साक्षरता दर है वह 81.42% के आसपास है। तो इस तरह यहाँ से बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, ये याद रखिएगा भैया। सिक्किम हमारा सर्वाधिक, याद रखना दोस्तों, क्या है, एक तरह से जो इसका पार्ट पड़ता है वह नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, चीन के बॉर्डर पर पड़ता है, भूटान के बॉर्डर पर पड़ता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश की आधारशिला आपको पता होना चाहिए, अर्थात नंद वंश को, ठीक है ना दोस्तों, नंद वंश को मात दे करके नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, यह बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक टाइम ऑफ पीरियड है घनानंद को हरा करके, इसमें जो सबसे अहम रोल है वो किसका है? चाणक्य का है, कहने का मतलब कौटिल्य का है, या तो विष्णुगुप्त का है। उनकी राजनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और मौर्य वंश की आधारशिला रखी। इसका जो अंतिम शासक है वह बृहद्रथ है, ठीक है, वह कौन है? बृहद्रथ है। बृहद्रथ का ही सेना प्रमुख जो पुष्य
पुष्यमित्र श्रृंग होता है वही दोस्तों इसको पराजित करके शुंग वंश की आधारशिला रखता है, वही इसको पराजित करके शुंग वंश की आधारशिला रखता है। तो विद्रथ यहां से आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली क्या है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं और हो सकता है कि आज के बाद से आप कभी भी अर्थात इसको मत भूलें, ठीक है। आज के बाद से हो सकता है कि कभी आपको आप इसे मत भूलें, ये मेरा वादा है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया हूं, ठीक है। मैप के माध्यम से ही आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग कभी भूले ना, ठीक है। ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। जैसे यह है अपना इंडिया, ठीक है, ये अपना इंडिया है भाई, ठीक है। इंडिया का मैप मैंने बनाया है, यहाँ से याद रखिएगा। पढ़ाई तो आप लोग बहुत करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं, मुझे पता है। लेकिन जैसे यह इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया है। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारा इंडिया है यहाँ पर आठ शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है दोस्तों, आठ शास्त्रीय संगीत नृत्य हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीत नृत्य हैं। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। और ये शास्त्रीय संगीत नृत्य जो आठ हैं वो कौन कौन हैं, इसको विथ मैप से समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश में है उसको बोलते हैं कथक, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, कथक है उत्तर प्रदेश का, नहीं जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आपका असम है, ठीक है, उधर ऊपर से चलते नीचे की ओर, ये असम है, ठीक है। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम क्या है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना दोस्तों। कौन है, शास्त्रीय, या याद रखिएगा ये असम का है, शास्त्रीय नाम है, नोट कर लीजिएगा, शास्त्रीय है। फिर यहाँ पर है मणिपुर, तो मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। क्या, मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। फिर आपका यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी ही अर्थात है दोस्तों, यह भी पता होना चाहिए, यहाँ का उड़ीसी है, ठीक है, उड़ीसी है। फिर आपका कर्नाटक का है, कर्नाटक का कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इधर आपका दोस्तों केरल में दो हैं, एक है कथकली, ठीक है ना दोस्तों, कथकली, और दूसरा है मोहिनी अट्टम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। क्या, मोहिनी अट्टम का नाम आपने सुना होगा। ये आपके कुल आठ शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल राज्य में, मतलब दो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये याद रखना। मोहिनी अट्टम कथकली से प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ से अब आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यह याद रखिएगा, ये आठों शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका केरला, ठीक है। ये आपके मैंने बना दिया है, बढ़िया से समझा भी दिया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, मोर है, सारस है, तोता है, कोयल है। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वृक्ष क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का वृक्ष क्या है, तो अशोक, याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर यहाँ पर आता है कि भैया पक्षी क्या है, तो पक्षी में आपका सारस या फिर कौंच कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, इसी का नाम कौंच भी है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो सारस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है, टिक कर दीजिएगा, ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, तो 24 जनवरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 75
75 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये प्रश्न भी बन सकता है, तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक है ना दोस्तों, कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, फिर यहाँ से पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है, तब आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना दोस्तों, कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ से जो एक एक करके प्रश्न बनते हैं, तो इनको बहुत शानदार तरीके से देखा जाता है, ठीक है, शानदार तरीके से देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर कैसे भ्रमण करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही साथ यही एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जहाँ पर जीव इतने आसान तरीके से रह रहे हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है। अगर आपस में ना लड़े ना मरे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ सिलसिला दोस्तों, तो 1969 से सिलसिला शुरू हुआ, कब से, 1969 से शुरू हुआ है सिलसिला। और इस बार की थीम क्या है भैया, तो इन्वेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, इन आवर फैमिली, ठीक है, आवर सॉरी इन आवर अर्थ, ठीक है, आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर अर्थ 2022 की थीम है। ये भी नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या आगे देखिए दोस्तों, अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जा करके 700-773-4525। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं वह लगातार आंसर दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आप अगर ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आंसर देते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में नो डाउट से आप बहुत अच्छे स्थान पर होंगे। जिसका जीएस अभी से मजबूत हो गया, जिसका जिया से अभी से मजबूत हो गया, फिर आगे चलकर टेट, सुपर टेट या फिर टीजीटी पीजीटी, ये सब उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लेखपाल हो, बैंक हो, एसएससी हो, हर जगह तो लेख भैया यूज है। आप हमारे है जो बुक स्टोर में जाकर बुक प्राप्त कर सकते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थाएं कहां स्थित है, अब देखिए दोस्तों, वन अनुसंधान संस्था कब स्थापित की गई है, तो 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया है, ठीक है जी हाँ दोस्तों। एक है चक्राता मार्ग, ठीक है, चक्राता मोटर मार्ग, उसी पर इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पर है यह है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देहरादून में है। देहरादून कहाँ है भैया, उत्तराखंड की राजधानी है, क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है, ये याद रखिएगा। और यहीं पर आप कहीं जो तीन पद होते हैं ना, एक आईएएस होता है अखिल भारतीय सेवा में, एक आईपीएस होता है और एक IFS होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो IAS का होता है वह मसूरी में ट्रेनिंग करता है, ये भी उत्तराखंड में है। IPS का जो है दोस्तों यह हैदराबाद में करता है, और यह आप कहानी दोस्तों यही देहरादून उत्तराखंड में करता है IFS वाला। तो इस तरह आप इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये आप समझ सकते होंगे कि यहीं से होती हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है कभी भी, तो इसको ध्यान देते रह करिए, ठीक है। तो वन के बारे में जानना चाहिए, भारत में जो वन है दोस्तों वह इस समय 24.3% वन है, जिसको 33% लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो वन है वह मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, तो यहाँ से भी देख सकते हो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसने है किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 में, ठीक है जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था, किसने, स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, विवेकानंद द्वारा किया गया था, यह बेलूर में है, ठीक है ना दोस्तों, बेलूर कहाँ है, तो कोलकाता में है, कहाँ पर भैया, कोलकाता में है, यहाँ से याद रखिएगा, वेदांत जो हमारे दर्शन है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, वेदांत जो दर्शन है हमारे, उन्हीं में सुधार के लिए यह चलाया गया एक बहुत बड़ा अभियान था, ठीक है, यह एक चलाया गया बहुत बड़ा अभियान था, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको भी बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु कितनी है, क्या दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की ही आयु होती है सबसे ज्यादा, या फिर समस्त न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु बराबर होती है, सबसे बड़ी प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वह कुल कितना है दोस्तों, तो 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इन सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय की, ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु अभी भी 62 वर्ष है, इसको बढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है, संविधान में इसके लिए नियम भी आया है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यह याद रखिएगा नहीं 62 वर्ष तक ही है, कितना 62 वर्ष तक ही है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, सभी बच्चे एक स्वर में एक कंपटीशन करा लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है, तो लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वह किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा, तो कहने का मतलब ये जो चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों बहुत शानदार हैं, जल्द से जल्द आंसर दीजिए भाई, जल्द से जल्द आंसर दीजिए, आप सभी से आंसर की गुजारिश है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, सीमा जी, जी हाँ दोस्तों, ब्रजेश जी, निकेश जी, राजेश जी, ठीक है ना, सभी बच्चों को, सुशील साहब, काजल जी, इतने सारे बच्चे, निधि जी, स्नेहा जी, समस्त छात्र छात्राओं का मैं कब से देख रहा हूँ, प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों का नहीं, मुनीश साहब, आप सभी लोगों को, कुसुम जी, ठीक है, जितनी सारी बच्चे, प्रियंका गौर जी, करुणा राजपूत जी, इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके जो इतना शानदार प्रश्नों का आंसर देते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीट का वितरण हो या फिर विधानसभा सीट के वितरण का हो, दोनों जनसंख्या के आधार पर किया गया है, किसके, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, इस जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है, यह याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत है हमारा, तो दक्षिण भारत में जनसंख्या ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, तो दोस्तों लोकसभा विधानसभा की सीटों में भी उसी तरह बढ़ोतरी देखने को मिली दबा करके नहीं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी, तो इस तरह दक्षिण भारत वालों ने आवाज उठाई कि हमने देश की कुर्बानी के लिए जनसंख्या में वृद्धि दर नहीं की है, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, तो देश के लिए तब इस बात को ध्यान में रख करके 1971 की जनगणना का आधार वर्ष बनाया गया है, और आपको बता दे 2026 तक ना तो विधानसभा की सीट बढ़ेगी और ना तो लोकसभा की सीट बढ़ेगी, 2026 तक कोई
कोई बच्चा हमको इतना बता सकता है कि दोस्तों यह किस संविधान संशोधन के प्रावधान के तहत किया गया है? किस है? जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक ना लोकसभा ना विधानसभा की सीट में बढ़ोतरी नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है मेरे भाई? 550 है, मनोनीत खत्म हो गया है और इस समय है ये अधिकतम संख्या, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है? अधिकतम संख्या है और वर्तमान में जो कार्यरत है वह है 543, ठीक है, वह कितना है? 543 सीटें हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की कुल संख्या है दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है, ठीक है ना दोस्तों, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 संख्या है, यह याद रखिएगा। सबसे बड़ा पुराण कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा पुराण पूछा जाता है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, ठीक है, कौन सा पुराण? स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, 6 भाग हैं जिसमें से सिंहवन का उल्लेख है, यह याद रखिएगा। फिर दोस्तों, सबसे प्रथम पुराण किसे माना जाता है? सबसे प्रथम या जी हाँ पहला पुराण किसे माना जाता है? तो प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण या फिर आदि पुराण को जाना जाता है, आदि पुराण को जाना जाता है, यह याद रखने वाली बातें हैं। पुराणों के संलग्नकर्ता जो हैं वो वेद व्यास साहब हैं। क्या है दोस्तों? वेद व्यास जी हैं पुराणों के संलग्नकर्ता। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, समझ सकते हैं। ये बहुत शानदार प्रश्न था जो हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, ठीक है। एक एक बच्चे, सब बच्चे बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये संशोधन हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद। 2003 में हुआ था, ये भी बहुत अच्छा है। सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं, ठीक है भाई, और देते रहिए, मेहनत करते रहिए तो अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करिए, ठीक है। हिंदी इंडिविजुअल की जबरदस्त व्याकरण की बैच हमारे यहाँ स्टार्ट है, जो भी छात्र छात्राएं चाहें वह इसमें भागीदारी ले सकते हैं। लिखा, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है ना दोस्तों। माई गॉड, ये प्रश्न तो पहला भी था क्या? आई थिंक ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है ना दोस्तों, तो ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। लिखा, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर भी सिक्किम ही है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर सिक्किम ही है, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है असम की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? असम की है, यह याद रखना। पूर्वोत्तर के इतने 7 सिस्टर राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो असम की है, यह नोट करने वाली बातें हैं। उत्तर में दिया सिलाई उद्योग, जी हाँ दोस्तों, का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिया सिलाई के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? जो माचिस बनती है वो कहाँ बनती है? दिया सिलाई माचिस की तीली को कहते हैं, मतलब माचिस जहां बनती है उसी को दिया सिलाई कहते हैं, तो बरेली में है। मुरादाबाद जो है दोस्तों, यह पीतल हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पीतल हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। मिर्जापुर याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मिर्जापुर का चुनार है वह बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाने का, पत्थर काटने का नहीं, ठीक है, मिर्जापुर में पत्थर के बहुत अच्छी अच्छी विशाल चीज़ें पाई जाती हैं, तो वह प्रसिद्ध है, यह याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल अगर दिया हो दोस्तों तो सबसे ऊंचा जलप्रपात वही है, अगर नहीं दिया है तो जोग और गारोसोपा दिया होगा, ठीक है ना दोस्तों, जोग या गारोसोपा, ठीक है, गारोसोपा, ठीक है, गारोसोपा इसी का नाम है, यह याद रखिएगा। जलप्रपात यह
255 मीटर ऊंचा है, साथ ही साथ शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है, ये भी जानना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद इसी का नाम महात्मा गांधी, जी हाँ, जलप्रपात भी है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। और ये भारत के सबसे प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो कैरो नदी है, जी हाँ दोस्तों, कैरो नदी पर है। और यह वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत का जो गाने की अवधि है वो कितना है? भारत के राष्ट्रगान की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान हमारा 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन जब हम बात राष्ट्रगीत की करते हैं तो राष्ट्रगीत हमारा 65 सेकंड में गाया जाता है। कहने का मतलब 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो पाया जाता है यह बोत्सवाना, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों यह चीन और मंगोलिया के पार्ट में, मतलब एशिया में पाया जाता है। कहाँ? एशिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जिसका विस्तार लगभग 11 से 13 देशों के बीच में है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ दोस्तों, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह विशालकाय मरुस्थल, जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या से विरल है। कहने का मतलब यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या नहीं रहती है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान, मतलब एशिया में फैला हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी का बैच हो या फिर सुपर टेट का बैच हो, आप हमारे साथ भागीदारी ले सकते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ही 1828 में इसकी आधारशिला रखी थी। एकेश्वरवादी थे ये, ठीक है, एकेश्वरवादी थे, यह याद रखिएगा दोस्तों। एकेश्वर मतलब एक ईश्वर की पूजा करते थे। अकबर द्वितीय के शासन में रहते थे, ठीक है, अकबर द्वितीय के दरबार में रहते थे, याद रखना, अकबर द्वितीय। और ये बात याद रखना, भारतीय पुनर्जागरण के पिता या फिर अग्रदूत माने जाते हैं ये है राजा राम मोहन राय साहब, ठीक है, राजा राम मोहन राय साहब। इनकी मृत्यु भारत के बाहर ब्रिस्टले में हुई है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के ही विचारधारा में आपका ज्योतिबा फूले चले, राजा राम मोहन राय की विचारधारा पर ही कुछ दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती चले। लेकिन राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती में एक बहुत बड़ा अंतर था। स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किए थे, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को अच्छा बताया था, ठीक है, बस दोनों लोगों में ये बहुत बड़ा अंतर था, ये याद रखिए कहानी। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? दोस्तों इस समय हमारा 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 15वां वित्त है आयोग है, 2021-22 से, ठीक है ना दोस्तों, 2025-26 के बीच में कार्यरत है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं 26-27 भी लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं 26 द एंड मानता हूं, यहां 26-27 कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल के लिए है, ठीक है, 5 साल के लिए है। अब देखिए जो हमारा वित्त आयोग है, ठीक है, जो हमारा वित्त आयोग है वह
यहाँ पर वित्त आयोग का नहीं, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका? वित्तीय आपातकाल का है। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है, माफी चाहता हूँ, ठीक है, देख लिया हूँ, ठीक है, देख लिया हूँ, वित्त आयोग पे बता दिया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, है उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। आज तक भारत में एक बार भी, ठीक है, एक बार भी यह नहीं हुआ, ठीक है, एक बार भी, जी हाँ दोस्तों, वित्त आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही, जी हाँ दोस्तों, क्या करेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का, सॉरी, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। इस समय समस्त प्रशासनिक और जो हमारे यहां तक कि न्यायाधीशों की भी वेतन में कटौती की जा सकती है, समस्त कर्मचारी, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल जब भी अपने पद पर रहेंगे दोस्तों, इनके वेतन में कटौती किसी भी प्रकार की नहीं की जाएगी, इनके वेतन में कटौती किसी भी प्रकार की नहीं की जाती है, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यह याद रखना। पहली बार स्वदेशी शब्द, जी हाँ दोस्तों, जो निकल करके आया था, यह 1905 के राष्ट्रीय कांग्रेसी अधिवेशन से ही निकल करके आया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बेटा लोग, बस आप ऐसे ही आंसर देते रहिए, समझो मजा ही मजा है, ठीक है, मजा ही मजा है। तो यहां से याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, ये याद करने वाली बात है। देखिए दोस्तों, यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वह अपने आप का है। अब देखिए, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यहां तीनों नाम दे दिया इसलिए जान जाओ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और आप कहानी क्या दिनशाह वाचा प्रमुख रोल में थे क्या दोस्तों? तो जी हाँ, लेकिन इसमें से आपको पता होना चाहिए दादा भाई नरौजी, ठीक है, दादा भाई नरौजी, दिनशाह वाचा और ए ओ हूम, ये तीन प्रमुख थे। इनका नाम पीछे से रहा, आगे से दिनशाह वाचा का रहा है, बाकी याद रखने वाली बातें हैं। तो आप 1885 में स्थापित कांग्रेस की आधारशिला जो रखी गई थी उसमें दादा भाई नरौजी, ए ओ हूम और दिनशाह वाचा का रोल था, बाकी ये याद करने वाली बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जब आपको बता दें, जब महात्मा गांधी जी जेल में थे, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। जब महात्मा गांधी जी जेल में थे दक्षिण अफ्रीका में, तो दोस्तों गांधी जी से जो मिलने बंदा गया था वह कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे भारत से ही। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया था कि जैसे यह हमारा भारत है, अगर आपको देखे होंगे तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ही क्यों की गई? कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि दोस्तों 1857 जैसी क्रांति फिर से जन्म ना ले, ठीक है, फिर से जन्म ना ले, मतलब जनता के अंदर जो आक्रोश है, जनता की जो मांगे हैं, वह हर वर्ष अधिवेशन बुला करके उनकी बातें सुनी जाए, उनकी क्या है, बातें सुनी जाए, ताकि उनके अंदर का जो आक्रोश है वो शांत हो सके और जो समस्याएं हैं उनका निदान मतलब निदान किया जाए। तो इस तरह आपको कांग्रेस की आधारशिला रखी जाती है। लेकिन ए ओ हूम जो सोच करके नहीं, अर्थात आधारशिला रखे थे, उसके विपरीत हुआ, ठीक है, उसके विपरीत हुआ। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का निवास राय कौन था, ये बातें आपको बताना पड़ेगा। लॉर्ड डफरिन थे क्या? कमेंट्स तो जरूर बनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह याद करिएगा। अब देखिए दोस्तों, तो कांग्रेस की जब स्थापना की जाती है तो पहली बार आपको यहां से याद करिएगा कि मुंबई में इसका अधिवेशन होता है, बंबई में। तो उस समय का तो बंबई के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बंबई के नाम से। 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। किसकी? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, ठीक है, कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नरौजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नरौजी ने किया था, यह याद रखिएगा। दादा भाई नरौजी ने किया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा जो हुआ था वह मद्रास में हुआ था, ठीक है,
मद्रास में तैयबजी साहब ने किया था। किसने? तैयबजी साहब ने किया था। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा जो हुआ था वह 1888 में हुआ था, ठीक है, 1888 में हुआ था। प्रयागराज कहने का मतलब वर्तमान का प्रयागराज पहले का इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने किया। इनका मैंने क्यों लिखा दोस्तों, इसलिए लिखा दोस्तों कि आप देख रहे होंगे मतलब चार अधिवेशन और चारों अलग अलग ने किया, ठीक है, चारों अलग अलग ने किया। किसी में हिंदू है, ठीक है ना दोस्तों, किसी में हिंदू है अर्थात प्रमुख, तो किसी में है, जी हाँ दोस्तों, पारसी हैं, ये याद करिए कहानी। और किसी में आप कहानी मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम हैं, तो किसी में अर्थात है अंग्रेज हैं, ताकि सब की बातें ध्यान दिया जाए। इसीलिए दोस्तों अलग अलग स्थानों में अलग अलग, ठीक है, तो ध्यान दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण था। चले आगे, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है भैया? जी हाँ, अगर हम भारत के देशों की बात करें तो हमने आपको बताया, ये बार बार इसलिए बता रहे दोस्तों कि इस बार ये 100% प्रश्न आएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, एक प्रश्न यहाँ क्षेत्रफल से जरूर आएगा। रूस आ सकता है, कनाडा आ सकता है, यूएसए चाइना आ सकता है, यूएसए चाइना, चाइना आ सकता है, कनाडा आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों, कनाडा आ सकता है। आपको यहाँ से भी बातें, आपका इंडिया, ब्राज़ील आ सकता है, ठीक है, ब्राज़ील आ सकता है, यहाँ पर ये भी बातें आप समझ सकते हो। फिर आपका नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में सबसे पहले राजस्थान आ सकता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद आपका नहीं उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश पांचवें स्थान पर रहता था, लेकिन जब से क्या हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का अलगाव हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पांचवें स्थान पर गुजरात है, छठवें स्थान पर कर्नाटक है, सातवें स्थान पर आंध्र प्रदेश पहुंचा है, ठीक है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें आपको समझ सकते हैं कि भारत का स्थान है सातवां है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत शानदार है, लेखपाल की टॉप 20 जो हमारी स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज है वह स्टार्ट, जी हाँ दोस्तों, हो रही है। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसे ले भी रहे हैं। आप देरी मत करिए, अगर लेखपाल का फॉर्म भरे हैं तो उसमें एक बढ़िया लगन उत्सव के साथ हम आपके सामने जरूर जुड़ते हैं। तो दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूर है। देखिए दोस्तों, जो अर्थात अमरेश सर का पार्ट है वह आपका उत्तर प्रदेश और ग्रामीण विकास लिए हुए हैं अपना, ठीक है। मेरा पूरा जीके जीएस का पार्ट है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नितिन सर के हाथ में हिंदी सौंपी गई है, तो फिर दोस्तों अपना पूरा ताकत लगा दीजिए, हर चीजों में देखा जा रहा है। बहुत सारे टीचर इसमें जुड़ करके गजब का योगदान देंगे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हैं। आपको पता होना चाहिए भैया, 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की आधारशिला रखी गई। पंडित नेहरू इसके पहले उपाध्यक्ष बने, ठीक है, पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू जी बनते हैं। और यह हमने किस देश की रूपरेखा से? तो यूएसएसआर से हमने स्वीकार किया है। जो 4 वर्षीय योजना चल रही थी एक सफल, उसी के आधार पर हमने अपने देश में पंचवर्षीय योजना रखी, उसी के आधार में हमने पंचवर्षीय योजना रखी। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। फिर अंततः क्या होता है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित होता है। क्या? नीति आयोग स्थापित होता है। और पंडित नेहरू के बाद दोस्तों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, याद
रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी बनते हैं और अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। वर्तमान में कौन भैया? राजीव कुमार हैं, यह याद रखिएगा। जबकि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहुवालिया थे। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 1236 ईस्वी में अपने ही माता और भाई को परास्त करके गद्दी पर बैठा था, जनता के अर्थात सहमत से बैठी थी। दोस्तों, ये पहली महिला शासिका है मुस्लिमों में जिन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग करके, जी हाँ दोस्तों, वस्त्र साधारण धारण करके राजगद्दी में राजशाही की तरह बैठी थी। ये याद करिए, रजिया सुल्तान। सूर्य मंदिर नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया यह मंदिर, जी हाँ, कोणार्क में है दोस्तों, कोणार्क में है। यह सूर्य के रथ की भांति है और यह उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। तो यहां से भी बातें हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी? विशाख दत्त की रचना है। इसमें मौर्य वंश के राजनीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौर्य वंश के राजनीति के संबंध में इसका जबरदस्त उल्लेख है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत शानदार प्रश्नावली है। ताबड़तोड़ आप लोग साथ देते रहिए, बढ़िया है। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? तो बड़े प्यार से जानते हैं, दस कुमार चरितम जो है दोस्तों, यह, जी हाँ, दस कुमारों का जो चरित्र है उसके बारे में लिखी गई है और दंडी द्वारा रचित यह पुस्तक, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। नेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, जबरदस्त आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी सहभागिता यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। अगला क्या लिखा है? इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में अंतरिक्ष नगरी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, लेकिन इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है। तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो ये अपने आप में बहुत शानदार है। 15 अगस्त 1969 की आधारशिला रखने के बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसरो ने विक्रमशिला, जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई का नाम याद रखिएगा जिन्होंने रखा, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इसरो के 6 स्थान है जहां से इसरो अपना प्रक्षेपण करता है, उसमें से एक, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में है, एक कर्नाटक में है, एक आपका राजस्थान में है, एक उड़ीसा में है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 6 स्थानों से यह प्रक्षेपण करता है। सबसे बड़ा इसका जो प्रक्षेपण सैटेलाइट का करता है वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश का है, वहीं से होता है दोस्तों, जो याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ईडन गार्डन्स अवस्थित है। देखिए, ईडन गार्डन एक क्रिकेट का मैदान है जहां की दर्शक दीर्घा 90,000 है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए और यह कोलकाता में है। ठीक है ना दोस्तों, कहां पर है? कोलकाता में है ईडन गार्डन, है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। 1965 में यहां से खेलने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें, सॉरी 1864 में स्थापित हुआ था। 1865 से कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ईडन गार्डन कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है दोस्तों। इस बार के आईपीएल की जो लीग मैच खेली गई वो मुंबई और, जी हाँ दोस्तों, पुणे के अंदर, मतलब यहीं पर खेली गई। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि भैया, जो लीग मैच के बाद मैच खेले जाएंगे सेमीफाइनल, वह ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, लेकिन जो फाइनल, एक तरह से जो लीग मैच से हट करके, एक तरह से कहा जाए क्वार्टर
फाइनल जो होता है ना मेन, मतलब लीग का जो टॉप फोर बनते हैं उनका जो मैच खेला जाएगा यहीं पर, फिर उसके बाद जो फाइनल मैच खेला जाएगा वह खेला जाएगा मोटेरा में, ठीक है ना दोस्तों, नरेंद्र मोदी वाले स्टेडियम में, नहीं कोलकाता, ठीक है। जूही चावला और शाहरुख खान की टीम है कोलकाता टीम, श्रेयस अय्यर इस समय है कप्तान। विश्व मजूमदार दिवस है, सॉरी विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस है, जी हाँ दोस्तों 1 मई को, जी हाँ श्रमिक दिवस मनाया जाता है। याद रखिए बेटा टोटल प्रश्न जो है वह 40 प्रश्न है, कितने हैं 40 प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, 44वां संविधान संशोधन हुआ, जी हाँ दोस्तों 1978 में, किसके समय में हुआ, मोरारजी देसाई के समय में हुआ, मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के समय में हुआ, और इसी संपत्ति के अधिकार को उठाकर ले जाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में यह अंतर होता है कि मौलिक अधिकार का अगर किसी भी प्रकार का हनन होता है तो व्यक्ति स्वयं या नागरिक स्वयं जाकर के याचिका दायर कर सकता है, नहीं तो दोस्तों इसमें न्यायालय भी, जी हाँ दोस्तों, अपना रिट जारी करती है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान दे सकते हैं। लिखा है घड़ी के स्प्रिंग में, जी हाँ दोस्तों, जो भंडारित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक ही स्थान पर रुक करके क्या होता है दोस्तों, कोई दाब लगता है या चलन होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे बांध बना करके जल को रोका जाता है। लेकिन दोस्तों जो धनुष से बाण छोड़ा जाता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, यह याद रखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हो या फिर दोस्तों आप कहानी महत्वपूर्ण या वर्दी हो, अगर प्राप्त करना है तो फिर जुड़िए हमारे साथ है और ले जाइए, ठीक है। हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें हैं, तो कहने का मतलब हरित गृह में जो आती है दोस्तों उसमें आप कहानी ये सभी गैसें आती हैं, सीएफसी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो इस तरह ये बहुत सारी गैसें यहाँ पर आती हैं, ये याद रखना। हाइड्रोजन नहीं आती है इसमें, ग्रीन हाउस गैसों में नहीं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच मान हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर निर्भर करता है, अगर आपका पीएच मान किसी भी चीज का 7 है तो यह उदासीन है, ठीक है, उदासीन है, लेकिन अगर इससे कम है तो अम्लीय है, ठीक है, क्या है, अम्लीय है, और इससे अगर ज्यादा है तब फिर क्षारीय है, ठीक है, तब फिर क्या है, क्षारीय है, ये बातें भी है, तो 7 से कम होगा भैया पीएच मान, यहां से भी ध्यान दे सकते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना, पोंगल यह याद रखिएगा। असम का, जी हाँ, बिहू है, ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। जबकि केरल का मोहनी अट्टम हरे नाते हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओनम नित्य है। आगे लिखा है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है हर वर्ष, जी हाँ दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस, जी हाँ अंतरराष्ट्रीय यह दिवस है, और 1948 से कहानी शुरू हुई है, ठीक है, 1948 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आधारशिला रखी गई है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, प्रतिसत्तात्मक यह है दोस्तों, जी हाँ, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो एक तरह से
ये छोटी कद की जनजाति होती है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में विशेषकर तमिलनाडु और केरल के पार्ट में यह पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नितिन सर हैंड राइटिंग ई बुक घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी है। ठीक है, इस नहर की जब आधारशिला रखी गई कब, 1968 में, तो इसका नाम था गंग नहर। अंततः याद रखिएगा दोस्तों, गंग नहर नाम था, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों, अर्थात ठीक है, इंदिरा गांधी नहर रखा गया, इंदिरा गांधी नहर रखा गया। यह बातें आपको पता होना चाहिए। ये जो नहर है आपको पता नहीं होगा, 449 किलोमीटर की नहर है, ओ सॉरी 649 किलोमीटर की नहर है, लेकिन ये नहर रेगिस्तान को चीरते हुए जाती है। अब आप समझ नहीं सकते हो कि इस नहर की कितनी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। यह पंजाब के पास हरिके, जो पंजाब में हरिके बैराज आज है, जहां पर ब्यास नदी आकर के सतलज पे मिलती है दोस्तों, वहीं से यह निकल करके, जी हां दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र तक जाती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ध्यान देने वाली बातें हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, तो हरित क्रांति का संबंध जो है वह गेहूं से ज्यादा माना जाता है। याद रखना है तो खाद्यान्न फसल से, लेकिन अब इसमें चावल भी दे दिया है, गेहूं भी दे दिया, सबसे बड़ी बात है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, इसीलिए मैं प्रश्न रखा हूं। सबसे ज्यादा गेहूं को फायदा हुआ था हरित फसल की वजह से, हरित क्रांति की वजह से, इसलिए आपको गेहूं पर टिक करना है, चावल पर नहीं टिक करना है। हां, चावल आपका अगर गेहूं ना दिया हो तब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, यह याद रखिएगा। बाकी इस पर चर्चा हुई है। कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता था, देखिए कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार जो इसका सबसे प्रिय देवता थे वो शिव थे। बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया है, जब इसने, जी हाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कलिंग का युद्ध याद आ रहा होगा, जी हाँ नजर आ रहा होगा, जब 261 ईसा पूर्व की कहानी है, क्या याद करिए दोस्तों, जब लड़े थे अशोक, तो उसी में द्रवित होकर के, वह कौन सा युद्ध था आप अपने आप से बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसी में द्रवित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इतना खून मार देखा इसी के कारण, ये बोला जाता है भाई। प्राचीनतम सिक्कों को निर्मित किया गया था, तो प्राचीनतम सिक्के जो है दोस्तों तांबे के चलाए जाते थे। किसके? तांबे के चलाए जाते थे। मौर्य वंश से ही दोस्तों यह सिक्के चलते थे। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाता है, तो इस तरह यहां से ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से आपका बिंबिसार था। बिंबिसार हरियक वंश का संस्थापक, किसका भैया? हरियक वंश का संस्थापक था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, हरियक वंश का संस्थापक 544 से 500, जी हाँ दोस्तों 92 की कहानी है, क्या दोस्तों, सॉरी 544 से 492 ईसा पूर्व की कहानी है क्या यहां पर। तो इस तरह आप यहां से देख सकते हैं। तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि दोस्तों बिंबिसार है, अजात शत्रु है, अशोक है, ये सब आपको आगे यहीं पर कहानी बहुत बड़ी बनती है, बृहदर्थ तक जाती है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लंबी कहानियां हैं, हिस्ट्री का पार्ट है, बढ़िया से एक एक देखते रहा करिए, ठीक है। चलते हैं, आज का सिलसिला यहीं पर खत्म करेंगे। वीडियो का बैच हो, ठीक है ना दोस्तों, या फिर वीडियो से संबंधित हमारे यहाँ पुस्तक हो, दोनों बहुत शानदार हैं। यह पुस्तक गजब की व्याख्यात्मक पुस्तक दी गई है, इसमें से बहुत ज़्यादा जोर दे करके, मतलब इतनी बड़ी टीम, जी हाँ दोस्तों, जो इसको लिखी है उसका अगर आप लाभ ना उठा पाए तो कब उठा पाएंगे। तो इसको घर बैठे आप परचेस कर सकते हैं, घर तक, मतलब कोई चार्ज नहीं है, फ्री में मंगवा सकते हैं दोस्तों जिसका, और वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जा रही है, सोचो, ठीक है। तो फिर आप लोग यहां से परचेज कर लीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। आज यहीं पर दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।